आशा करती हूँ कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 6 कारक। ओके, जिसमें हमने इनकी परिभाषाओं को समझा, कारक किसे कहते हैं, इनके भेदों को देखा। ओके, अब इसमें हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे जिसमें हमें लिखना है प्रश्नोत्तर, खाली स्थान। ओके, आइए से रीड करें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है कारक किसे कहते हैं, सेकंड इसका क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। जैसे हमने ओरल में कल समझ लिया कि कारक की किसे कहते हैं या कारक की परिभाषा, ओके, उनके भेदों को, तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे इसे हम आपको दिखा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आंसर है इसका कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, ये क्या है इसके कारण कारक के उदाहरण। ओके, अब कारक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखना है, तो आंसर इस तरह से लिखना है कारक के 8 भेद होते हैं। एक के नीचे के उनके नाम लिख सकते हैं आप, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ओके, इस तरह से ये इसका पहला और सेकंड नंबर का आंसर है, फर्स्ट और सेकंड का आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपको कॉपी में नोट करने हैं क्वेश्चन आंसरों की श्रेणी। अब इसी का खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित शब्दों के कारक बताओ। अब यहाँ पर कारक किसे हम करेंगे, इनके चिन्हों को देखते हुए हम इनके कारक बताएंगे ये कौन सा कारक है। ठीक है, जैसे उज्ज्वल ने पत्र लिखा, जो ने है वो किसका चिन्ह है, कर्ता कारक का है। वृक्ष से फल गिरते हैं, जो फल है वो किसका चिन्ह है, ये अपादान कारक का चिन्ह है। जय साइकिल से विद्यालय गया, तो यहाँ पर से जो है वो करण कारक है। भव्या की बहन मुस्कान सुंदर चित्र बनाती है, तो यहाँ पर जो की है वो क्या है, संबंध कारक है। माता जी कुर्सी पर बैठी है, तो यहाँ पर जो है वो अधिकरण कारक आता है। ठीक है, इसी तरह से गा नंबर क्वेश्चन, खाली जगह में उपयुक्त कारक चिन्ह भरिए या भरो। जमाते हुए वाक्य को जमाना है और उसमें हमें कारक चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, जैसे बच्चे पार्क खेल रहे हैं, तो क्या सेंटेंस आएगा, मैं बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। इसी तरह से पेड़ पर बंदर बैठा है, कहाँ बैठा है, पर। अभिनव खालिस्तान पिताजी अध्यापक हैं के, अभिनव के पिताजी अध्यापक हैं। फिर रवि खालिस्तान ललिता को पुस्तक दी, क्या आया इसका आंसर, ने। फिर पूजा बाजार खालिस्तान फल लाई, कहाँ से लाई है, से, है ना, पूजा बाजार से फल लाई। तो इस तरह से हमें इसकी उपयुक्त कारक चिन्हों का यूज करना था। ओके, इसी का घा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों के सामने संबंधित कारक का नाम लिखो। अब जैसे हमने ब्लैंक्स में देखा, उसी चिन्हों को हमने वहाँ लगा, यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं और इस चिन्हों के आधार पर हमें उनके कारक बताने कि ये कौन सा कारक है। तो इसके लिए हमें ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है ना, तब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ने है वो कर्ता कारक है, को कर्म कारक बताया गया, से साधन के अर्थ जो बताता है वो करण कारक है, के लिए जो है वो संप्रदान कारक है, अरे ये कैसा कारक है, संबोधन कारक है, मैं पर ये कैसा कारण है, अधिकरण कारक है। ओके, अब डा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी में कारक चिन्हों पर गोला बनाओ। अब कारक चिन्ह तो अभी पता चल गया, के को, के लिए, हे, अरे, मैं पर, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है ना। अब यहाँ पर जैसे हमने पहले से लगाती हैं, लेकिन नहीं भी लगाते तो आपको पता चल जाता है ना कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर राहुल ने किताब पढ़ी, तो नहीं कारक चिन्ह है। सीमा साइकिल से विद्यालय जाती, इसी कारक चिन्ह है। मेज पर पानी रखा है, ये भी पर जो है वो कारक चिन्ह है। पिताजी कमरे में बैठे हैं, यहाँ पर मैं कारक चिन्ह है। बिजली पानी से बनती है, यहाँ पर से जो है वो कारक चिन्ह है। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने हिंदी व्याकरण का पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ये अपना पार्ट 6 अपना 3 भागों डिवाइड है। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके,
तो ये आप देखें और अपने कॉपी में कंप्लीट कर लें। ओके फ्रेंड्स।